ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर में बात करने वाले हैं। हम सभी लोग जितने भी हैं सब पैसा कमाने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कोई बंदा यहाँ जा रहा है पैसा कमाने के लिए, कोई वहाँ जा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हम पैसा कमा भी लेते हैं। मसला कहाँ खड़ा होता है आके, उसकी मैनेजमेंट को लेके, कि भाई मनी मैनेजमेंट तो करना ही हम भूल गए कहीं, क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट के बारे में कहीं पर सिखाया नहीं जाता, ना ही किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही किसी कॉलेज में सिखाया जाता है। देखो, इंसान को ना तीन चीज़ें पैसे के मामले में सीखनी ही चाहिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, आपको ये तीन चीज़ें सीखनी ही चाहिए। सबसे पहला पैसा बनाना, दूसरा पैसा बचाना, तीसरा पैसा बढ़ाना, ठीक है? अर्न मनी, सेव मनी एंड ग्रो मनी। तीनों चीज़ अगर आपके पास आ गई तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा लोगे एंड लॉन्ग टर्म में आप अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने ये तीन में से कोई भी चीज़ मिस कर दी, सपोज कीजिए आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, कमाने के बाद आपको बचाना ही नहीं आता, और अगर गलती से बचा भी लिया तो आपको उसको बढ़ाना नहीं आता, तो ये तीनों चीज़ हमें कहीं नहीं सिखाई जाती है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी तीनों चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो मनी मैनेजमेंट सीखकर, ठीक है? ये वीडियो देखो 10-15 मिनट का वीडियो है। मैं ये नहीं कहता ये वीडियो देख कर आप करोड़पति बन जाओगे, आप इतना पैसा बना लोगे, इतना पैसा बचा लोगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी ओवर प्रोमिस नहीं कर रहा, कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस हाँ, इतना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपकी जो मनी मैनेजमेंट को लेकर इतना स्ट्रगल, इतनी हार्ड जर्नी चल रही है ना, वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। वेल, फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी रीज़न शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं या फिर पैसा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नंबर वन, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि आतिफ भाई बेस्ट टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, कौन सा टाइम हम इन्वेस्टमेंट करें? तो देखो, जो बेस्ट टाइम था ना इन्वेस्टमेंट करने का, वो कल था जो चला गया है। तो अब जो दूसरा बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, वो आज है। क्योंकि कल ये चीज ना मैं बोलूं कि भाई आज अगर इन्वेस्टमेंट कर देते ना तो आज आपके पास इतना पैसा होता, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पास जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका है और जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो आज है। तो आज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपना पैसा। लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसा बचाना भी आपको सीखना पड़ेगा। मुझे याद है, मुझे जब स्कूल्स में 50 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी ना स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं उस 50 रुपये को खर्चता नहीं था, उसको बचा लेता था। एंड जब मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाता था, लाइक 500-1000 रुपये हो जाता था, तो मैं अपनी मनपसंद की वो चीज़ खरीद लेता था जो मुझे चाहिए होती थी। मतलब मैं खर्च कर देता था वहाँ भी, लेकिन मुझे बचाने की आदत लग गई थी कि अगर पैसा बचेगा तो मुझे ये पैसा आज नहीं चाहिए ना, तो कल मुझे जिस काम के लिए पैसा चाहिए होगा वहां पर मैं खर्च कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है, उस टाइम पे मैं बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन आज अगर कोई बंदा पैसे बचा रहा है अपने, तो उसको वो पैसे इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकता है। आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन में सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो सिर्फ अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करके। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट फ्री में खुल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पर आप अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड कमाल की बात यह है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट समझोगे आप। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब इसके ऊपर ना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कंपाउंडिंग इफेक्ट यह है कि अगर आपने 1 रुपया लगाए, सपोज करते हैं कि अगर आपने 1 रुपया लगाए, तो आपका जैसे 2 हो जाएगा ना, तो दोनों रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? अब ये वो हो गया कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं शॉर्टकट में। क्योंकि वीडियो में आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो मिस ना हो इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बताता चलता हूँ। दूसरी चीज़, कभी भी आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर देख कर, कि सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ट्रेंड बना हुआ है, ये चीज़ देख कर कभी भी आप पैसे मत लगाओ, कहीं पर भी मत लगाओ। इनफैक्ट मैंने भी बोला है ना कि अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पे भी आप एक बार बैक टेस्ट करो कि क्या मेरे लिए सही रहेगा स्टॉक्स में जाना, क्या मेरे लिए सही रहेगा म्यूचुअल फंड में पैसे डालना।
तभी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो, उससे पहले नहीं। क्योंकि देखो हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बता रहा है, हर 6 महीने हर साल भर बाद कुछ नया ट्रेंड आ जाता है, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज से 2 साल पहले क्रिप्टो क्रिप्टो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, जैसे ही क्रिप्टो डाउन हुआ अब लोग साइड हो चुके हैं, अब लोग ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बना लो, ट्रेडिंग से ये कर लो, ट्रेडिंग से वो कर लो। तो आपको देखो जमता क्या है, ठीक है, साल बदलते जाएंगे, कैलेंडर्स चेंज होते जाएंगे, तो ये जो लोगों की थिंकिंग है ना, जो ट्रेंड है वो अपने आप चेंज होता जाएगा। लेकिन आपको जमता क्या है, कि आपको क्रिप्टो करेंसी जमती है तो क्रिप्टो करेंसी में लोग आज भी पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग जम रही है तो ट्रेडिंग में आज भी लोग पैसा बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट जमता है तो स्टॉक मार्केट से लोग हमेशा पैसा बना रहे हैं। तो आपको जमता क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, ना कि सोशल मीडिया पे कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या बता रहा है उसको हम फॉलो करके अपने पैसे वहां पे डाल दें। ना भाई ना, पैसे आपके हैं, अगर उसमें नुकसान होगा तो आपका होगा, फायदा होगा तो भी आपका होगा। 2 कमाल के टिप्स दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले। आप पैसा वहां पर लगाओ जिस फील्ड की आपको नॉलेज है या फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सपोज करो स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो भाई क्यों जाना है वहां पे पैसा लगाने के लिए। आपको अगर FD की नॉलेज है, म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, वहां पे पैसा लगाओ, जिस चीज में नॉलेज है वहीं पर पैसा लगाओ। दूसरी चीज, किसी की भी सक्सेस स्टोरी देखकर इंस्पायर ना हो। हर कोई है, हर फील्ड में आप देखोगे ना 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लोगों ने बनाया, ट्रेडिंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10 रुपए लगा के करोड़पति बन गए हैं। जी हाँ, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लोगों ने 100, 100, 200, 200 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और करोड़पति बन गए। तो आप भी उन सब चक्रों में मत पड़ो, क्योंकि जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है उस चीज में घुसना ही क्यों है। लोग बोलते हैं सर NFT चल रहा है, NFT में पैसा लगा देते हैं। भाई अगर NFT का आपको ज्ञान ही नहीं है तो उसमें पैसा लगाओगे तो कल को तो लॉस होगा ही ना। पूरा आप नॉलेज आप ले लो, उसके बाद कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड हाँ, एक जरूरी बात, आपको कभी भी अपने पूरे पैसे एक ही जगह पे नहीं डाल देने हैं। ठीक है, सपोज करो आपको लग रहा है क्रिप्टो का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, भाई क्रिप्टो 5 साल 10 साल बाद मेरे को अच्छा रिटर्न दे देगा, तो आप अपनी कैपिटल का 5% लगा दो, 10% लगा दो, 10% बहुत हो जाता है, 5% आप लगा दो कि अगर चलो ये लॉस भी हो गया ना तो मेरी जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है वो इसका कवर अप दे दे। आई होप मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको समझ में आए होंगे। तीसरी चीज, आपको कहीं पर भी पैसा लगाना है ना, या कहीं पर भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है, ट्रैक करना है उन सब चीज़ों को कि आप पैसे कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे तो अच्छा कमा लेते हैं, भाई पैसा हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये तो उनको पता ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, यार पैसे तो आते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन घर में रुकते नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, आपने ही खर्च किया है, आपके ही वाइफ ने खर्च किया, आपकी ही मम्मी ने खर्च किया है, लेकिन पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके पास किसी चीज का ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। आपको हर चीज का डाटा बना के रखना है कि मेरे पैसे कहां पर खर्च हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 10 20 50 रुपए का भी रिकॉर्ड बनाओ, लेकिन हाँ, जहां पर आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लाइक कहीं पे आपने 1000 रुपए खर्च किए, 500 रुपए खर्च किए, तो उन सब चीजों का रिकॉर्ड करो कि भाई मैंने आज पूरे दिन में 500 रुपए खर्च कर दिए, पूरे दिन में 1000 रुपए खर्च कर दिए। क्योंकि आपके पास जब रिकॉर्ड रहेगा ना, जिस भी चीज को आप मॉनिटर कर रहोगे वो चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। किसी चीज को अगर आप मॉनिटर ही नहीं करोगे तो उसमें इंप्रूवमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। सपोज करो आज मेरे घर में महीने के 50,000 रुपए के खर्च हैं, तो अब अगर मैं उसको मॉनिटर करूंगा तो मैं देखूंगा भाई मेरी फिजूल खर्ची क्या क्या है, उसको मैं अगले महीने कट कर दूंगा कि भाई मैंने, मुझे ये अगले महीने से नहीं करनी है। आपके पास एक परफेक्ट डाटा होना चाहिए, एक डायरी आप रख लो, उसमें परफेक्ट डाटा आप लिखो कि मेरे को हर महीने कहाँ कहाँ मैंने खर्च किए हैं, मंथली एक्सपेंसेस आपको उसमें लिखने हैं। और अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो आप अपनी मम्मी को बोल दो, जो घर में रहती हैं औरतें उनको बोल दो, और इनफैक्ट ये वीडियो ही उनके पास शेयर करना ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ें समझें। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलेगा। क्या मैंने बोला? बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता। अगला पॉइंट है, कभी भी शो ऑफ या दिखावा करने के लिए पैसे खर्च मत करो। बहुत से लोग आज के टाइम पे, खास करके आईफोन का क्रेज आ गया है, भाई फलाने ने आईफोन लिया है मुझे भी आईफोन लेना है,
फलाने के पास ये चीज़ का कंपनी का लैपटॉप है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये कंपनी की गाड़ी है, मैं भी यही कम चीज़ लूँगा। भाई उसका बजट और आपका बजट सेम नहीं है, आपकी फैमिली उसकी फैमिली सेम नहीं है, आपके एक्सपेंसेस उसके एक्सपेंसेस सेम नहीं है, लेकिन हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना बजट की ऐसी तैसी लगवा लेते हैं, अपने बजट की ऐसी तैसी कर देते हैं। देखो आपके पास पैसा है तो आप 1 लाख का फ़ोन भी ले सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप 80,000 के जूते भी ले सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप 20 लाख रुपये शादी में भी खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं उतनी, तो क्या ज़रूरत है भाई रिश्तेदारों को और दोस्तों को दिखाने के चक्कर में इतने पैसे में आग लगाना। आग लगाना ही हुई नहीं बात, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कम पैसों में चल सकता था काम, उसमें भी आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। अब बहुत से ज्ञानी लोग होंगे जो मुझे बोलेंगे, अरे भाई 20 लाख रुपये अगर शादी में खर्च कर रहे हैं तो शादी रोज़ रोज़ थोड़े होगी। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ रोज़ शादी नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोचो कि आप अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स जो हैं, ज़मीन जायदाद सब बेचकर आप 20 लाख रुपये सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में लगा दोगे, कल को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ आपके सपोर्ट में खड़ा होगा कि हाँ आतिफ भाई यार तेरा मतलब ये ले पैसे, तेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है तू रख ले, एक बंदा भी नहीं आएगा खड़ा होके। तो मैं ये नहीं कहता कि शादियां पे ज़्यादा खर्च मत करो, बल्कि उसको मॉनिटर करो कि भाई क्या मेरा काम कम में चल सकता है या नहीं, उस हिसाब से अपना बजट सेट करो एंड उस पे काम करो। रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे, इसीलिए रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना बंद कर दो। एंड गाइस उससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि जब लोग लोन लेकर अपनी ये सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मैरिज के लिए लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, आईफोन के लिए लोग लोन ले लेते हैं, मुझे हंसी लगती है जब लोग ईएमआई दे रहे होते हैं 4,000-5,000 रुपये आईफोन की। भाई 3 साल तक दे रहे हैं, 2 साल तक दे रहे हैं, किस बात की यार, आईफोन लिया है ना मैंने, आईफोन की ईएमआई चल रही है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है गाइस। जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको लो ही मत ना, खास करके लोग जो क्रेडिट कार्ड सबसे गंदा लोन होता है, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर्सनल लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको चुकाने के लिए और लोन ले लेते हैं, और इस तरह से आप एक लूप में फंस जाते हो, आप फिर वहां से जल्दी निकल ही नहीं पाते। इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरते मरते तक इस लूप से नहीं निकल पाते हैं। तो भाई मेरे ऐसे लूप में फंसना ही क्यों है आपको, ये चीज बड़े ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, कीप योर फ्रेंडशिप एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और दोस्ती को कभी भी मिलाओ मत, दोनों को अलग अलग रखो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में चला गया, किसी MLM कंपनी में चला गया, वहां से वो बोलता है भाई ये ज्वाइन कर ले, इतने पैसे डाल दे इसमें, 2 साल बाद तेरे पे को इतने पैसे मिल जाएंगे, बस तू हर महीने इतना प्रीमियम भरना, भाई तू ये कंपनी ज्वाइन कर ले, 2 बंदे जोड़ लेना, उसके बाद तेरे को इतने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपका दोस्त आपको बताता है इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में, तो आप वहां पे उस स्कीम को नहीं देखते, उस कंपनी को नहीं देखते, उस इंश्योरेंस को नहीं देखते, वहां पे आप क्या देखते हो कि यार मेरा दोस्त है, अगर मैं इसको मना कर दूंगा ना तो बंदा बुरा मान जाएगा, उसकी दोस्ती के खातिर आप वहां पे चले जाते हो। एंड होता क्या है कि अगले 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद, वो आपका दोस्त उस कंपनी को छोड़ के साइड हो जाता है एंड आपको फंसा जाता है, आप अगले 10 साल तक उस कंपनी में प्रीमियम भरते रहते हो। तो ऐसे काम नहीं करने हैं आपको। आप, मैंने क्या बताया शुरू में, आप पैसे वहां पर लगाओ जिस चीज का आपको नॉलेज है, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, वहां पर पैसे कभी मत लगाओ जिस चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है, चाहे आपका दोस्त बता रहा है आपको, चाहे आपका भाई बता रहा है, साइड हो जाओ भाई। रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है, क्योंकि देखो यार हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर उसको बचाते हैं एंड फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसी गंदी जगह पे जहां पे हमको उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना है आपको। कभी भी कोई आपका दोस्त आपको इस तरह की स्कीम सब बताए ना, बोलना कि यार मैं या तो इसको देखकर बताऊंगा या फिर उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी, आपकी जो कमाई है ना वो साल दर साल बढ़ती रहनी चाहिए। इनकम मस्ट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, हर साल कुछ ना कुछ पैसा आपका बढ़ना चाहिए। सपोज करो आप 10,000 आज कमा रहे हो तो अगले साल इसमें 10-15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए आपकी इनकम में। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपकी इनकम में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है साल दर साल, तो फिर उस काम को आपको
चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं जॉब में हूँ, जॉब में कैसे इनकम बढ़ेगी। भाई जॉब में आप अच्छे हो जाओ ना, जिस भी काम में हो आप उसमें आप अच्छे हो जाओ, खुद पर खुद आपका मैनेजर, आपका जो मालिक है वो प्रमोशन कर ही देगा। दूसरा तरीका इनकम को इंक्रीज करने का, आप साइड हसल करना शुरू कर दो। साइड हसल का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा करना शुरू कर दो जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए। सपोज करो आप जॉब कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो, जॉब कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, जहां से आपको एक साइड इनकम आनी शुरू हो जाए वो साइड हसल से, ताकि वो आपकी फुल टाइम इनकम हो जाए और ओवरऑल आप अच्छे खासे इनकम कर पाओ। हर महीने हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा आपका। क्योंकि देखो अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो ना, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं कमा पा रहे हो, तो आप पीछे हो जाओगे क्योंकि लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। धमाल में आपने वो वाला सीन देखा है ना जहां पर सब लोग पीछे हट जाते हैं और वो आगे हो जाता है, तो वैसे ही यहां पर ये होता है कि आप वहीं पर खड़े रहते हो और लोग आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो फाइनली गाइज ये सारे पॉइंट्स आप अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, यहाँ तक कि अपने घर की लेडीज को जरूर भेजिए, क्योंकि वो एक, मेरा मानना ये है कि एक घर को चलाने में, घर में पैसे बचाने में लेडीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सब्जियां भी जाती हैं ना तो भी 20-50 रुपए कम में लेकर आती हैं हम लोगों के मुकाबले, तो ये वीडियो उन लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही ली है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले याद करना है, पहले उस पर फोकस करना है, अदरवाइज आप गलत जगह पर अगर पैसा डाल देते हो तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसी वीडियो के अंदर।